एक ही घी की रेसिपी बना बना के हम बोर हो चुके हैं, तो चलो आज बनाते हैं घी और चने दाल की सब्जी। तो इसके लिए मैंने पहले घी को छील कर उसको धो लिया, फिर उसको ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। ये सेम रेसिपी आप कुकर में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो मिर्च और थोड़े लहसुन को ऐसे कूट लिया है। फिर कढ़ाई में तेल गरम किया है, इसके अंदर डाला है आधा चम्मच जीरा और एक तेज़पत्ता और एक मिर्ची तोड़कर। तो इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने स्लाइस किए हुए प्याज डाल दिया है। आप चाहे तो इसके अंदर लहसुन कट करके डाल सकते हैं, पर मैंने तो कूटा हुआ है। अब इसके अंदर डाल देंगे अपनी सब्जी। तो इसको अच्छे से टॉस करके इसको हम ढक कर पकाएंगे जब तक ये 80% कुक ना हो जाए, ठीक है। और बीच बीच में मिलाते रहना है, फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखना है। तो हमारी सब्जी है लगभग 80% कुक हो चुकी है। इसके अंदर डालेंगे हम मसाला, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और जो हमने मिर्च और लहसुन को कूटा था वो। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर एक टमाटर जो मैंने कूट दिया था उस कुटनी में, उसको भी मिक्स कर देंगे। टमाटर महंगे हैं तो वैसे ही कम डालता है, और सब्जी में भी कम ही डालेंगे। तो इसको ढककर थोड़ा सा पका लेंगे टमाटर। जब टमाटर पक जाएंगे तो मैंने यहाँ पे डाला है सोक करी हुई दाल जो मैंने रात में सोक कर दी थी, और दिन इसको सुबह में 10 मिनट बॉईल कर दिया है। फिर इसके अंदर सब्जी में डाल देंगे। अगर आप कुकर में बॉईल कर रहे हैं और बना रहे हैं तो सीधे आप कुकर में 2 सीटी लगाएंगे तो दाल भी पक जाएगी और सब्जी भी पक जाएगी। तो इसके अंदर पानी डाल दिया और उसको अच्छे से कुक करने के लिए रख दिया 10 मिनट लो फ्लेम पर। फिर लास्ट में डालेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग रखें, इसको दाल चावल रोटी के साथ एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।